दोस्तों ये है बॉलीवुड के सुपरस्टार नसीरुद्दीन शाह का पैदाइशी घर। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं प्रदोष राशिद खान और आप देख रहे हैं खान यूट्यूबर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आया हूं बाराबंकी। वैसे हमारा भी घर बाराबंकी ज़िले में है। बाराबंकी से 40 किलोमीटर दूर कस्बा बलेरा में मेरा घर है और मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार नसीरुद्दीन शाह का जन्म हमारे ही ज़िले बाराबंकी में हुआ है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो मुझे कुछ दिन पहले ही पता चला कि उनका जन्म इसी घर में हुआ था। दोस्तों बॉलीवुड के सुपरस्टार नसीरुद्दीन शाह का जन्म 20 जुलाई 1950 में इस हवेली में हुआ था और इस वक्त ये हवेली बाराबंकी के मोहम्मद यूनुस के पास है। तो मोहम्मद यूनुस के जो वालिद थे 1967 में इस हवेली को राजा जमाल रसूल खान से, जो जहांगीराबाद के राजा थे, उनसे खरीद ली थी। जो नसीरुद्दीन शाह थे उनके वालिद SDM थे। जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ आज़ादी के बाद, तो उनकी SDM की पोस्ट यहाँ बाराबंकी में हुई थी। तो इस घर में वो किराए पर रहा करते थे। तो इस हवेली उसी दौरान उनका जन्म हुआ। 3 साल पहले नसीरुद्दीन शाह उत्तर प्रदेश में आए थे। उनकी एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी डेढ़ इश्किया, और उस फिल्म की शूटिंग जस्ट सीतापुर ज़िले के महमूदाबाद के किले में हो रही थी। तो उनके साथ हुमा कुरैशी, अरशद वारसी, माधुरी दीक्षित भी थे। तो उसी दौरान उनको पता चला कि उनका जन्म बाराबंकी के इस घर में हुआ था। तो उसी दौरान यहाँ पर आए थे और उनकी फ़ोटो भी पड़ी है गूगल पर, आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं स्क्रीनशॉट में दिखा रहा हूँ, यहाँ पर उन्होंने अपनी बीवी के साथ फ़ोटो खिंचवाया था और उनका एक सिंगल भी फ़ोटो यहाँ पर पड़ा हुआ है। दोस्तों ये हवेली के सामने का सीन है और ये आप जो पिलर देख रहे हैं, अगर गूगल पे नसीरुद्दीन शाह का फ़ोटो देखेंगे तो उनकी वाइफ के साथ इन्हीं पिलर के सामने खड़े होकर उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया है। और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनका जन्म यहीं आसपास एक कमरा है वहाँ पर हुआ था। तो यहाँ पर सामने तो भी इस वक्त ताला लगा हुआ है। तो हवेली के पीछे से रास्ता है, वहाँ से चलते हैं और अंदर का दिखाते हैं कि हवेली के अंदर का सीन कैसा है। दोस्तों जो सामने खड़े हुए हैं, इनका नाम है मोहम्मद जिशान यूनुस और ये बाराबंकी में मेडिकल स्टोर चलाते हैं, रुमेसा मेडिकल स्टोर, जो काफ़ी फेमस है। तो ये हमारे कहने पर अपना कीमती वक्त निकाल कर आए हैं, तो इस हवेली को अंदर से दिखाएंगे और कुछ बताएंगे। तो ये घर इस वक्त आपका है? हाँ, इस वक्त हमारे दादा ने ख़रीदा था इसको 1967 में राजा जहांगीराबाद राजा एजाज रसूल खान से, राजा जमाल रसूल खान। तो वो जो नसीरुद्दीन शाह जो है वो कब यहाँ पर आए थे? तकरीबन 3-4 साल हो गया, 3 साल हो गया आए थे। तो जब वो डेढ़ इसकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी? हाँ, डेढ़ इसकी फिल्म की शूटिंग हो रही थी, उसी दरमियान आए थे। तो उनको कैसे पता चला कि उनका जन्म यहाँ पर हुआ था? उनके पूर्वजों ने बताया, उनके माता पिता ने, मम्मी अबू ने बताया होगा कि आपका आपकी पैदाइश जो है वो बाराबंकी की है, राजा जमाल रसूल खां के कोठी की है। तो वो उनको याद आया कि बाराबंकी में ही है, करीब थे बाराबंकी से, डेढ़ इश्के की शूटिंग चल रही थी, तो उसी में उन्होंने सोचा कि लाइए अपनी जाए पैदाइश को देख लिया जाए। तो उसी सिलसिले में आए थे देखने के लिए, आए थे उसी दरमियान हंसी मजाक भी हुई थी जी। और हमारे सामने एक दुकानदार थे, तो लोगों ने बोला कि आप तो कूलर के फूल हो रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कूलर के फूल क्या मतलब, कूलर का फूल? तो हमारे जो सामने दुकानदार था उसने कहा कि अभी हमें बता देता हूँ कूलर फूल किसे कहते हैं। तो पूछा किसे कहते हैं, कहा बस आप ही को, तो कहते हैं कूलर का फूल। कूलर का फूल किसी को किसी ने देखा नहीं, जैसे आपको आज देखा है तो कूलर के फूल की तरह आप भी हैं, जैसे आपको आज लोगों ने देख लिया कूलर के फूल की तरह। ये कूलर का पेड़ यहाँ लगा हुआ है पीछे। तो जैसे उन्होंने बताया कि हमारा जन्म कौन सा कमरा था, बताया था उन्होंने? बस यही आगे वाले कमरे में हुआ था। और अच्छी बात यह कि इसी कमरे में हम भाई भी पैदा हुए, हम 4 भाई हैं माशाल्लाह, तो चारों भाई भी इसी कमरे में ही पैदा हुए हैं। मोहम्मद यूनुस जो आपके वो वालिद हैं, वालिद साहब हैं हमारे। तो हमारे दादा गुलाम वारिस साहब ने इस कोठी को 1967 में ख़रीदा था राजा जमाल रसूल खां से। दोस्तों चल रहे हैं जिशान भाई के साथ और आपको हवेली के अंदर का सीन दिखाते हैं। तो यही वो पेड़ था जो पूछ रहे थे? इसी पेड़ के बारे में उन्होंने पूछा था कि ये पेड़ किस चीज़ का है, तो फिर बताया गया कि ये गूलर का पेड़ है। तो उसी से गूलर के फूल की कहावत भी सामने निकल के आई। तो फिर हमारे जो किराएदार और सब लोग इकट्ठा हो गए थे, तो उन्होंने बताया कि गूलर के फूल आप ही तो हैं। तो उसी में मजाक थोड़ा हदी मजाक हुआ। अब तो ये हवेली पूरी गिर चुकी है, जर्जर हो गई है। अब इसको रहने का तो सवाल ही है।
अंदर तो बहुत ज़्यादा अंधेरा है। दोस्तों यहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है क्योंकि अंदर लाइट की सुविधा है, क्योंकि यहाँ पर मोहम्मद यूनुस और उनके वालिद रहा करते थे, तो इस वजह से अंदर लाइट का भी इंतज़ाम है। तो चलते हैं अंदर, देखिए यहाँ पर भी काफ़ी अंधेरा है, शायद लाइट का बोर्ड यहीं आसपास लगा हुआ है। ये रहा, अब काफ़ी रोशनी हो गई है, अब आराम से अच्छे से वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों इस हवेली का निर्माण जो राजा जमाल रसूल खान, जो जहांगीराबाद के राजा थे, उनके वालिद एजाज रसूल खान और उनके वालिद फिदा रसूल खान के ज़माने में इसकी जो है तामीर हुई थी। तो ये बहुत ही पुरानी हवेली है। और दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि नसरुद्दीन शाह के जो फादर थे वो उस ज़माने में SDM हुआ करते थे, तो उनकी पोस्ट बाराबंकी ज़िले में हुई थी। तो उसी दौरान वो लोग इस हवेली में आकर किराए पर रहा करते थे। तो ये हवेली उस टाइम राजा जमाल रसूल खान की हुआ करती थी, और उसी दौरान 20 जुलाई 1950 में नसरुद्दीन शाह का जन्म हुआ। फिर आगे चल के वो बॉलीवुड के काफ़ी जाने माने सुपरस्टार बने। और दोस्तों ये हवेली की आप लोग डाट देखिए, ये जो स्लेब लगी हुई है ये इसको डाट बोलते हैं। तो नीचे लकड़ी की जो बल्ली टाइप लगी हुई है, फिर उसके ऊपर पटरे लगे हुए हैं, फिर उसके ऊपर कई तरह के इसमें मसाले लगते थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मजबूत इसकी स्लेब लगी हुई है, और ये हवेली काफ़ी पुरानी हो गई फिर भी आज भी उतनी ही मजबूत है। बाहर से खंडर जैसी दिखती है लेकिन अंदर से आज भी काफ़ी मजबूत है। और दोस्तों ये आप लोग देखिए, एक तिजोरी रखी हुई है। तो ये तिजोरी काफ़ी पुरानी है, और ये जो मोहम्मद यूनुस थे और उनके वालिद थे उस ज़माने से ये इस तिजोरी का उपयोग करते आ रहे हैं। तो अब ये तिजोरी का कोई उपयोग हो नहीं रहा है, तो निशानी के तौर पर इस हवेली में रखी हुई है, और ये शायद इसका लॉक है। देखिए इस हवेली में एकदम जंग सा लग चुका है, देखने में ही लग रही है कि काफ़ी पुरानी पुरानी तिजोरी है, और ये काफ़ी समय से यहाँ पर रखी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को हवेली के पीछे का सीन दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले यहाँ पर पीलघर हुआ करता था, और जो आप लोग टीन वगैरह जो पड़ी हुई है, टीन रखी हुई है, तो यहाँ पर हाथी घर हुआ करता था, जानवर बांधे जाते थे। और ये सामने जहाँ कूड़ा पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर एक छोटा सा तालाब हुआ करता था, यहाँ पर फूल लगे हुए थे, बगीचा एक बगीचे टाइप का बना हुआ था, और छोटा सा आंगन बना हुआ था, और यहाँ पर सब खपरेल नुमा पहले सब घर बने थे। और इस साइड से देखिए ये हवेली कुछ इस तरह से दिख रही है। तो इधर से ही आए थे नसरुद्दीन शाह, हवेली के अंदर गए थे। तो देखिए ये बाहर से एकदम कमज़ोर जैसी दिख रही है, लेकिन अंदर से काफ़ी मजबूत हवेली आज भी मजबूत है। तो दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में देखा नसरुद्दीन शाह का पैदाइशी घर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल खान यूट्यूबर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।